International trade, the exchange of goods among people, states and countries is referred to as trade. ये जो सामान का आदान प्रदान होता है, goods का आदान प्रदान होता है लोगों के बीच में, state के बीच में या countries के बीच में, इसे हम trade कहते हैं. The market is the place where such exchanges takes place. और market वो जगह है जहाँ पर इन तरह का आदान प्रदान किया जाता है. Trade between two countries is called international trade. अगर दो countries के बीच में trading हो रही है तो उसे हम international trade कहते हैं. It may takes place through sea, air or land routes. ये either sea के through या air के through या land के through जो है इसको किया जा सकता है. While local trade is carried in cities, towns and villages, state level trade is carried between two or more states. लोकल ट्रेड होता है वो ज्यादातर शहरों, टाउन्स या गांव के बीच में होता है. इसी तरह से जो स्टेट लेवल का ट्रेड है वो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में होता है. एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. जितना ज्यादा जो है इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ोतरी होगी उतना ही हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक उसमें वृद्धि होगी. इट इज देयरफॉर कंसीडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री. इसीलिए हम इसको जो है एक तरह से इकोनॉमिक बैरोमीटर मानते हैं. As the resources are space bound, no country can survive without international trade. अब हमें ये पता है कि जितने भी resources हैं वो space bound होते हैं, यानी कि किसी country में कुछ resource मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, तो कोई भी country जो है वो international trade के बगैर नहीं चल सकती. Export and import are the components of trade. और जो दो main components माने गए हैं trade के वो हैं export और import. The balance of the trade of a country is the difference between its export and import. और balance क्या होता है trade का? कि जो कंट्री का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं. व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इट इज कॉल्ड द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू जो है इंपोर्ट की वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तब हम उसे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं. ऑन द कंट्री इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इट इज टर्न्ड एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. यहीं पर अगर उल्टा हो जाए कि जो वैल्यू इंपोर्ट की है वो ज्यादा बढ़ जाए वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से तो उसको अनफेवरेबल बैलेंस माना जाता है ट्रेड का. इंडिया हैज ट्रेड रिलेशंस विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल ज्योग्राफिकल रीजंस ऑफ द वर्ल्ड. अब इंडिया के जो है ट्रेड रिलेशंस हैं जितने बड़े बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं या जितने भी ज्योग्राफिकल रीजंस हैं कंट्री में सबके साथ इंडिया के ट्रेड रिलेशंस हैं. अमंग द कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट whose share has been increasing over the last few years till 2004-5 are agriculture and allied products, ores and minerals, gems and jewelry, and chemical and allied products, engineering goods and petroleum products. अब जो commodities export करी जाती हैं, उसमें कितना हिस्सा है, जैसे उसमें भी बढ़ रहा है, कुछ सालों से 2005 या तक देखा जाए, अगर 2004-5 तक में, तो उसमें agriculture या उससे related products जो हैं, ores हैं, minerals हैं, gems and jewelries हैं, केमिकल्स हैं या उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या इंजीनियरिंग गुड्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में जो है बढ़ोतरी हो रही है. द कमोडिटीज इंपोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स, मशीनरी. अभी जो ये तो एक्सपोर्ट हो रहा था, अब इम्पोर्ट क्या क्या चीजें हो रही हैं इंडिया में, वो है पेट्रोलियम या पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो रही हैं, स्पेशल पर्ल्स मोती होते हैं या जो कीमती पत्थर है वो होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं या फिर कोल हो गया, कोक हो गया, बिकेट्स हैं या मशीनरी है, इन सबको जो है क्या कहते हैं इम्पोर्ट किया जाता है. बल्क इम्पोर्ट्स एज अ ग्रुप रजिस्टर्स अ ग्रोथ अकाउंटिंग फॉर 39.09% ऑफ टोटल इम्पोर्ट्स. जो बल्क इम्पोर्ट होती है वो एक पूरे ग्रुप में मानी जाती है, जो कि जैसे हम टोटल इम्पोर्ट कितना हुआ है उसका जो है टोटल ग्रोथ कितनी हुई उसके हिसाब से जो है एक बल्क रिपोर्ट इम्पोर्ट माना जाता है. दिस ग्रुप इंक्लूड्स फर्टिलाइजर्स, सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स एंड न्यूज प्रिंट्स. अब बल्क में क्या क्या जाता है, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, सीरियल्स हैं, आपके खाने वाले ऑयल हैं या न्यूज प्रिंट्स हैं. इंटरनेशनल ट्रेड हैज अंडरगॉन अ सी चेंज इन द लास्ट 15 years. अब इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें भी पिछले 15 सालों में काफी चेंज आया है. Exchange of commodities and goods have been superseded by the exchange of information and knowledge. अभी जो exchange होता था commodities और goods का, अब उसपे जो है उसकी जगह ज़्यादा information and knowledge का, जैसे कहते हैं उसने overtake कर लिया है. India has emerged as a software giant at the international level and it is earning large foreign exchange through the export of information technology. इंडिया जो है सबसे बड़ा जो है सॉफ्टवेयर जाइंट बन गया है इंटरनेशनल लेवल पे, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या लार्ज अमाउंट में जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है इसी के थ्रू अर्न कर रहा है, क्योंकि वो जो है अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करता है. नेक्स्ट आता है टूरिज्म एज अ ट्रेड.
टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर लास्ट थ्री डिकेड्स. पिछले तीन दशक में देखा जाए तो टूरिज्म जो है वो इंडिया में काफी बढ़ा है. Foreign tourist arrivals in the country witnessed an increase of 23.5% during the year 2004 as against the year 2003. जितने भी foreign tourist हैं, वो country के अंदर आते हैं और क्या कहते हैं, उनकी भी बढ़ोतरी जो है लगभग 23.5% हुई है 2004 के मुकाबले. जैसे मतलब 2004 में 23.5% इजाफा हुआ जब 2003 के comparison में. Thus contributing rupees 21,828 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इससे क्या हुआ कि इंडिया में जो है लगभग 21,828 करोड़ जो है वो फॉरेन एक्सचेंज आई. ओवर 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर. लगभग 2.6 मिलियन टूरिस्ट जो हैं वो इंडिया हर साल आते हैं. मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन टूरिस्ट इंडस्ट्री. लगभग 15 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. Tourism also promotes national integration, provides support to the local handicrafts and cultural pursuits. Tourism की मदद से क्या होता है कि हमारे national integration को support मिलता है, साथ ही साथ जो local handicrafts है, ये जो cultural है, हमारी pursuits उसमें भी जो है काफी हद तक support मिलता है, क्योंकि जब बाहर से tourist आएगा तो वो हमारे इसी handicraft को या हमारे culture को ही देखने आता है. It also helps in the development of international understanding about our culture and heritage. हमारी क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारी हेरिटेज है, इसको भी समझने में जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे काफी मदद मिलती है. Foreign tourists visit India for heritage tourism, eco tourism, adventure tourism, culture tourism, medical tourism and business tourism. अब जो foreign tourists India आते हैं वो किस लिए आते हैं? हेरिटेज को देखने आते हैं, इको उसके लिए आते हैं, एडवेंचर करने आते हैं, कल्चर देखने आते हैं, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका टूरिज्म होता है और कई बार बिजनेस रिलेटेड होता है. राजस्थान, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर एंड टेंपल टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया आर इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया. राजस्थान, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर और जो साउथ इंडिया के मेन टेम्पल्स हैं, इनको देखने के लिए फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते हैं. देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल ऑफ टूरिस्ट डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ हिमालयस, बट ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजंस दे हैव नॉट एनकरेज्ड सो फार. इसी तरीके से टूरिस्ट डेवलपमेंट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हो सकता है और इंटीरियर पार्ट्स में भी हो सकता है हिमालयस के, पर कुछ कारणों से जो है इनको ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है सो फार. हाउएवर देयर लाइज अ ब्राइट फ्यूचर अहेड फॉर दिस अपकमिंग इंडस्ट्री. पर अगर देखा जाए ये जो इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री, अगर ये ज्यादा बढ़ावा दिया जाए इसे तो इसका एक बहुत बेहतर फ्यूचर हो सकता है. तो बच्चों चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन. बाय.